दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र हूं और आप सभी दर्शकों का NIOS की ओर से आयोजित इस परिचर्चा सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में प्रख्यात शिक्षाविद और मैत्रेयी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी विद्यमान हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी जिस विषय पर आपसे संवाद स्थापित करेंगे वह बालिकाओं की शिक्षा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक राष्ट्र तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपनी आधी आबादी पर भी ध्यान न दे। शिक्षा का मतलब सिर्फ एक आबादी यानी सिर्फ पुरुषों की शिक्षा ही नहीं है, बल्कि महिलाओं की भी शिक्षा एक समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला का शिक्षित होना उसके पूरे परिवार, उसकी संतति का शिक्षित होने से सीधे जुड़ा हुआ है। मैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि जी से आप सभी दर्शकों के लिए यह निवेदन करता हूं कि वो बालिका शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है इस बिंदु पर प्रकाश डालें। जैसा कि आप सब जानते हैं, बालिकाओं की शिक्षा हमारे लिए, इस देश के लिए एक चुनौती रही है और यह चुनौती विशेष करके आधुनिक भारतीय शिक्षा की देन है, ऐसा मैं मानता हूँ जी। क्योंकि प्राचीन भारत में हम ये नहीं कह सकते कि बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए को शिक्षित करने का कोई तौर तरीका नहीं था। बजाबता था, स्थापित तरीका था, जिसमें उनको सीखने के बराबर के अवसर मिलते थे, पुरुषों के बरबक्स खड़ा होने का उनको अवसर मिलता था। अब इसे आप कई नज़रिए से देख सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन कालक्रम में आज वो हमारे लिए एक चुनौती है। क्योंकि आज़ादी के ठीक बाद यदि साक्षरता के प्रतिशतों को देखा जाए तो 6% लड़कियां या महिलाएं मात्र छः प्रतिशत साक्षर हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए है आज के संदर्भ में, जब आप समावेशी समाज की बात करने लगे हैं, और बात क्या करने लगे हैं, आवश्यक भी है। कोई भी मानवीय समाज स्त्री और पुरुष दो केंद्रक के सहारे ही तो आगे बढ़ता है। यदि एक पहिए में हवा कम हो या एक पहिया छोटा हो तो वैसी गाड़ी को चला पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अभी की जो स्थिति है उसमें तो ऐसा लगता है कि हमारा एक चक्का जो है वो या तो उसमें हवा कम है या थोड़ा छोटा है, जिससे इस भारतीय मानवीय समाज को चलाने में परेशानी होगी। और शिक्षा ये कोशिश करती है कि समाज सुचारू रूप से चले, सार्थक रूप से चले। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि वो शिक्षित हों जी। आधुनिक समय में जो मांग है, आप सशक्तिकरण के लिए जिस उपकरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं उसमें से शिक्षा, वो उसमें से शिक्षा है। इसलिए आवश्यक है कि हम बालिकाओं को शिक्षित करें, यही बड़ी होकर महिलाएं होंगी। और लैंगिक असमानता एक बड़ा मुद्दा है अब के भारत में, क्योंकि लड़कियों का जन्म ही न हो इसकी कोशिश अब होने लगी है। और इसलिए लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, यानी पुरुषों की संख्या अधिक, महिलाओं की संख्या कम, निरंतर कम हो रही है। कई राज्यों में ऐसा देखा गया है, कई राज्यों में ऐसा देखा गया है। और यह ऐसा लगता है कि यदि यह समाज यानी बालिकाएं या महिलाएं शिक्षित होंगी तो हो सकता है कि वो इस बिंदु पर ज़्यादा गंभीरता से सोच सके, बजाय जो पुरुष प्रधान समाज जैसे सोच रहा है उससे हट के ये सोचें। इसलिए भी इनको शिक्षित करना ज़रूरी है कि लैंगिक असमानता दूर करने में जिस समझ की ज़रूरत है वह इस पुरुष प्रधान समाज के पास शायद नहीं है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम बालिकाओं की शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, उनको शिक्षाई धार में शामिल करने की कोशिश करें। शिक्षा एक ऐसा उपकरण है एक तरह से, जो आपको अपनी क्षमताओं की पहचान देता है। आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं। तो जब तक आप इस दायरे में आएंगे नहीं, यानी जब तक कोई पहलवान अखाड़े में आएगा नहीं तो कैसे जानेगा कि वो कितने तरह के दाव जानता है। तो ये शिक्षाई अखाड़े में जब आप शामिल होते हैं तब आपको अपनी क्षमताओं का, जो आपके पास हैं, उसका पता लगता है। और शिक्षा के क्षेत्र में पहचानी गई इस क्षमता के विकास का या उसको विकसित करने के कई रास्ते हैं। तो आपकी क्षमताओं की पहचान हो लड़कियों की, बच्चियों की, और फिर उन्हें विकसित किया जाए ताकि वो पुरुष समाज के सामने और समानांतर खड़ी हो सकें। इसके लिए भी शिक्षा महत्वपूर्ण है। एक और आवश्यक बात है और वो है पारिवारिक स्वास्थ्य।
भारत एक मामले में थोड़ा पिछड़ा रहा है कि जो स्वास्थ्य का मामला है हमारा और पारिवारिक स्वास्थ्य का मामला रहा है उसमें कई बार हम लोग कोताही करते रहे हैं, लेकिन शिक्षा यदि होगी विशेष करके माओं के पास घर में, तो हो सकता है कि समय समय पर होने वाली छोटी मोटी बीमारियों का पता ज्ञान उनको पहले भी लोग अनुमान लगा लेते थे, परिवार के स्तर पर ही लग जाए, और कुछ उसका वो ठीक है कि हम अब ये राय नहीं देते कि आप घर में ही उपचार कर लीजिए, जो जिस चीज़ का विशेषज्ञ है उसे वो काम करने दीजिए, लेकिन आप कम से कम ये जान सकते हैं कि एक बच्चा या एक व्यक्ति या एक मनुष्य कैसे स्वस्थ रह सकता है, उसके भोजन में कैसे पोषण तत्वों को शामिल किया जा सकता है। ये कहने का मेरा अर्थ ये नहीं है कि भोजन बनाने का काम स्त्रियां ही करेंगी और महिलाएं ही करेंगी जी, लेकिन यदि उनकी जानकारी में ये है और ये पुरुषों की जानकारी में है, किताबों से हम भी जानते हैं कि एक व्यक्ति को ठीक ठाक जीवन यापन चलाने के लिए एक दिन में कितनी कैलोरी की ज़रूरत है जी, और ये जाना है हमने उन्हीं शिक्षा की किताबों से, उन्हीं शिक्षाई विमर्श से, तो इस विमर्श में भी शामिल करना आवश्यक है बालिकाओं को, ताकि वो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की पहचान कर सकें, उनको जान सकें और उसके प्रति संवेदनशील हो सकें, क्योंकि सबसे अधिक बच्चों के साथ समय उनका बीतता है, उनका ही इसमें तो दो मत नहीं है अभी भी, माँ पहली गुरु भी होती है, पहली गुरु है। तो उनकी ही तैयारी ऐसी की जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां जिनके हाथ में है सच में वो उन्हें एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन दे सकें। एक और आवश्यक भूमिका जो महिलाओं की है वो है सामाजिक विकास में। ये आप नहीं कह सकते कि अब सामाजिक विकास में 21वीं सदी में सिर्फ पुरुषों की भूमिका है। ये ठीक बात है कि जहाँ पारंपरिक रूप से स्त्रियों का एक तरह से महिलाओं का योगदान रहा है, मैं ये नहीं कहता कि उनका कब्जा रहा है, महिलाओं का योगदान रहा है, उन स्थानों को जब बाजार ने अपने हिस्से में लिया तो वहाँ पुरुषों का वर्चस्व स्थापित हो गया। ये कहा जाता रहा है हमारी पाठ्यपुस्तकों में भी, आगे जिस पर हम चर्चा भी करेंगे, कि हमारी किताबों में भी एक तस्वीर आमतौर पर कई पाठ्यपुस्तकों में देखने को मिलती है कि सुबह का समय है, पिता अखबार पढ़ रहे हैं और माँ घर में चाय बना रही है। लेकिन हमने अपनी किताबों में ये कभी नहीं बताया कि 5 सितारा 3 सितारा और बड़े होटलों में अब माएँ नहीं, पिता सैफ होते हैं, मुख्य जो भोजन बनाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा लोग पुरुष ही हैं। तो एक तरफ तो उनकी जो दुनिया है जहाँ ये कहा जाता था कि नहीं ये तो आपका है, जैसे ही बाजार ने अपना कारोबार शुरू किया तो वो पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा हो गया। तो इसलिए ये जो ज़रूरतें हैं समाज की उनको पूरा करने के लिए, जिसमें महिलाओं की भी अहम भूमिका है, उसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा के दायरे में वो अधिक से अधिक शामिल हों और उन्हें शिक्षित किया जाए। अच्छा, इसी क्रम में मैं अपने दर्शकों के लिए ये चाहूँगा कि आप इस बात पर प्रकाश डालें जी कि विद्यालयों में बालिका शिक्षा को लेकर कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं। क्या है कि शिक्षा के महत्व को जानते हुए हमने अभी जो कुछ चर्चा की, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि बालिकाओं की शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी है कि अवसरों की समानता हो, उनके लिए भी भेदभाव रहित व्यवहार हो, समावेशी अधिगम वातावरण का निर्माण हो सके, एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए और राष्ट्र की विविधता की रक्षा के लिए बालिका शिक्षा का जो महत्व है उस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक आंकड़े का प्रयोग अभी करना चाहूँगा जो हमारी बात को समझने में थोड़ी मदद करेगी। अभी हम लोग महिला साक्षरता की बात कर रहे थे, तो यह जो आंकड़ा है, ये जो चित्र है, ये बता रहा है कि वर्ष 1951 में कैसे महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो सिर्फ 6% है और अभी लगभग 65% के आसपास दिखाई दे रहा है इसमें। लेकिन जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं कहूँगा कि लगभग 20% का फासला लगातार पुरुषों और महिलाओं के बीच में बहुत बड़ा फासला बना हुआ है, बहुत बड़ा फासला। अब जाके थोड़ा कम दिखाई दे रहा है कि पुरुषों की जो पुरुष साक्षरता दर है वो यदि 80 के आसपास पहुँच रही है तो महिलाएं 65% के आसपास हैं। वैसी स्थिति अभी 2011 के जनगणना के आधार पर हम लोग देखें तो महिलाओं का जो प्रतिशत है कुल शिक्षित महिलाओं का वो 65-65 है, लेकिन गाँव में अभी भी स्थिति बेहतर नहीं है,
तो आंकड़े ये बताते हैं कि बच्चियों की या बालिकाओं की शिक्षा को लेके जो ग्रामीण क्रियाकलाप किए जाने चाहिए, गाँव में जो कुछ पहल करने की आवश्यकता है, ये आंकड़ा हमें इस तरफ भी ध्यान देने को कह रहा है कि शहरों में जैसी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है लड़कियों की शिक्षा की, लेकिन गांव में अभी भी जो प्रतिशत है वो सिर्फ 57.9% है जी, जो शहरों के बनिस्पत, शहरों में लगभग 80% है उसके बनिस्पत कम दिखाई दे रहा है। तो यह जो एक वर्तमान स्थिति है उसमें कुछ मुद्दे जिसकी आपने चर्चा की, अब हम उस तरफ बढ़ना चाहते हैं कि विद्यालयों में बालिका शिक्षा से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसमें पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है पहुंच और नामांकन का। क्या कारण है कि लड़कियां पहुंच नहीं पा रही हैं स्कूल में, और वे कौन से कारण हैं जो लड़कियों को स्कूल में ठहरने नहीं दे रहे हैं बहुत दिन तक। दो क्षेत्रों को तो विशेष तौर पर हमें देखना चाहिए, एक तो ग्रामीण क्षेत्र जैसे कि आंकड़े भी कह रहे हैं, और पहाड़ी क्षेत्र। इन दो क्षेत्रों में विद्यालयों की उपलब्धता कम है, मतलब विद्यालय कम उपलब्ध हैं। जितनी दूरी पर विद्यालयों को होना चाहिए जो लड़कियों की पहुंच के भीतर हो, ये दूरी अधिक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा समस्या है जी इसको लेकर। तो इसलिए कई बार होता यह है कि समाज की सोच अभी ऐसी नहीं हुई है कि उसने स्वीकार कर लिया है 100% कि लड़कियों को कहीं भी आने जाने का, कभी भी आने जाने का हक है। इसलिए ये सोचना कि समाज एकदम बदल गया, लड़कियों के बारे में उसकी सोच बदल गई, ऐसा हम समाज के बदलाव की गति धीमी है। और दूसरी बात यह है कि उसके कारण भी जो लड़की का पिता है या जो उसका परिवार है वो अपनी लड़की को या अपनी बच्ची को दूर के क्षेत्र में प्रतिदिन भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो यह जो समस्या है पहुँच की और नामांकन की, जब पहुंच होगा तभी नामांकन होगा। सामान्य सी बात है कि जब हमको विद्यालय आप देंगे, अब आरटीई आने के बाद, लेकिन यह अनिवार्य है क्योंकि आरटीई ये नहीं कहता कि आप अपनी शर्तों पर बच्चों को शिक्षा देंगे। आरटीई का ये कहना है कि बच्चे अपनी परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा चाहते हैं तो उन्हें उनकी परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि आपने ये कहा कि 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, ये प्रावधान है आपका, लेकिन श्रीमान यदि हमारे और हमारे विद्यालय के बीच में एक नदी है जिसकी कुल चौड़ाई मात्र 200 मीटर है, उसे मैं बार बार पार नहीं कर सकता, वो गहरी नदी है, मुझे तैरना नहीं आता, मैं छोटा बच्चा हूँ, इसलिए मेरे लिए तो अब आपको स्कूल की परिभाषा बदलनी पड़ेगी और मेरे परिवेश में आपको कई ऐसे चित्र भी देखने को मिलते हैं जी, जब बच्चे बहुत ही पतले से एक पुल पे नदी को पार करते हुए पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे कई चित्र आए हैं जिसपे काफ़ी बहस भी हुआ है। बिल्कुल, तो वैसे में मतलब करना ये होगा, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है एक तरह से बालिकाओं की शिक्षा के लिए, वो ये है कि यदि स्कूलों को उनकी पहुँच में हम ले जाएँ तब नामांकन बढ़ने की संभावना बनती है जी। तो पहुँच और नामांकन का जो मुद्दा है उसको यदि हम हल करना चाहें तो आवश्यकता है कि हमें स्कूलों को उनके माहौल में, उनके आसपास ले जाना होगा। ये जो स्कूल का वातावरण है, आज जो हमने स्कूल बनाया है, ये पुरुष प्रधान स्कूल है, इसमें जो भी सुविधाएं हैं, जो भी सहूलियतें हैं वो पुरुषों के लिए हैं। आपने मान लिया कि भाई यदि आपको किसी शारीरिक क्रिया की करने की आवश्यकता है तो निरभ्र नीला आकाश है और उसके नीचे की खुली जगह आपको उपलब्ध है। कई बार होता यह है कि बढ़ती हुई उम्र की बच्चियां जब स्कूल में होती हैं, स्कूल में जाती हैं, और शौचालय की उचित व्यवस्था न होना उसको कई बार वहां ठहरने से रोकती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस पे बहुत ही ध्यान दिया। बिल्कुल, इस समस्या का समाधान अब निकलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी जो स्थितियाँ हैं वो बालिका शिक्षा के प्रतिकूल हैं। जो संरचनात्मक ढांचा हमने उपलब्ध कराया है वो उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए एक तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और दूसरा है पीने का पानी। पीने के पानी की व्यवस्था तो मुझे लगता है कि हम भले ही ये कहें कि 100% स्कूलों या विद्यालयों में हमने इसकी सुविधा उपलब्ध करा दी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यह सुविधा भी सभी स्कूलों में नहीं प्राप्त नहीं है।
दूसरी बात पानी नहीं है। हाँ साफ पानी, साफ पानी, पानी तो है लेकिन साफ नहीं, मतलब जिसको शुद्ध पेयजल आप कहते हैं जो शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालयों में लड़कियों के मन को समझने वाली शिक्षिकाएं बहुत कम हैं। ये बहुत जरूरी है स्कूल के वातावरण में ऐसी शिक्षिकाओं का होना जो इन बच्चियों के मनोभावों को समझ सके, जो इनकी जरूरतों को समझ सके। पुरुष उस तरह से, जो पुरुष शिक्षक हैं उस तरह से बच्चियों की समस्याओं को समझ नहीं पाते। इसलिए आवश्यकता ये भी है कि हम अपने स्कूल के वातावरण को, जिसको अब हम समावेशी विद्यालय, समावेशी कक्षा का नाम दे, समावेशी समाज का नाम दे रहे हैं, उसमें बच्चियों की, बालिकाओं की इस समस्या को भी ध्यान में रखें। आमतौर पर हम लोग स्कूलों में देखते हैं, और हम लोगों का अपना अनुभव तो ज़्यादा कठोर रहा है, कि आप यदि थोड़े शर्मा रहे हैं तो ये थोड़ी कहा जाता था कि आप शर्मा रहे हैं, कहा यह जाता था कि लड़कियों की तरह क्या शर्माता है। जी, मतलब जैसे शर्माना जो एक प्राकृतिक गुण है वह सिर्फ लड़कियों तक हिस्से में था। तो इस तरह के की बातें आज भी, विशेष करके जब खेलों का निर्धारण हम करते हैं स्कूलों में, तो बहुत साफ साफ दिखाई देता है कि ये खेल तो सिर्फ लड़के खेलेंगे और रस्सी कूद लेंगी लड़कियाँ। जबकि हमारे समय का सच ये भी है कि अब कोई ऐसा खेल नहीं है जहाँ लड़कियों ने पहल न की हो, जहाँ उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज न करा दी हो, और जहाँ उन्होंने ये नहीं बताया कि नहीं मैं ये भी कर सकती हूँ। तब तो हमारे पास ऐसे कई उदाहरण नहीं थे, तब तो कठिनाई थी, लेकिन अब तो उदाहरण हैं। अब तो हमारे स्कूलों को इन उदाहरणों से सीखना चाहिए और उन उदाहरणों को अपने यहाँ लागू करते हुए ऐसे उदाहरण और बनाने चाहिए। लेकिन अभी भी कई जगह हम बालिकाओं के प्रति जिस तरह की संवेदनशीलता की आवश्यकता होनी चाहिए उस तरह की संवेदनशीलता नहीं है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये खेल तो लड़कियों के लिए है, सिलाई बुनाई कढ़ाई ये तो सिर्फ लड़कियों के लिए है। यानी हमारे परिवेश में, विद्यालयों में बालिकाओं को लेकर कई प्रकार के पूर्वाग्रह हैं, और उन्हीं पूर्वाग्रहों में से ये खेल और सारे ये मसले हैं। बिल्कुल, और ये बचपन में देखिए, उस उम्र में जब हम स्कूल में होते हैं तो इस तरह का किया गया भेदभाव या व्यवहार एक अलगाव पैदा करता है, और ये लगने लगता है, और ये दोनों के मन में लगता है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव सिर्फ बालिकाओं पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव तो बालकों पर भी पड़ता है। उनको भी लगता है कि बालिकाएं कुछ अलग किस्म की, अलग किस्म, कुछ अलग किस्म की हैं और हम कुछ अलग किस्म के हैं। ये जो किस्मों का अलग होना है, ये कई बार बहुत सारी बातचीत के रास्ते ही बंद कर देता है। इसलिए स्कूलों को एकदम सावधानी पूर्वक ये ध्यान में रखना चाहिए, विशेष करके हमारे शिक्षक जो प्रारंभिक विद्यालयों में अभी अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और हमारे प्रशिक्षु भी हैं NIOS के इस कार्यक्रम में, उन्हें ये अपने विद्यालयों में कम से कम इतना तो वो कर ही सकते हैं कि ये ध्यान रखें कि उनके किसी वक्तव्य से, उनके किसी व्यवहार से, उनके दिए गए किसी कार्य से यह परिलक्षित न हो कि वो भी बालक और बालिकाओं में भेद कर रहे हैं और इस भेद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लड़कियों को लेके हमारे समाज में एक और भी प्रचलित धारणा है, लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती। विचित्र बात है, वह समाज जहां, आप फिर थोड़ा पीछे लौटिए, वह समाज जहां स्वेटर बुनने की कला आती हो महिलाओं को, जो गणित के सबसे कठिन काम पैटर्न का उपयोग करती हैं स्वेटर बुनने में, जी। और उनको आपने कहा कि ये गणित नहीं पढ़ सकती। लड़कियों में सौंदर्य बोध होता है, इसलिए इनको वैसी ही चीज़ें पढ़ाओ जिससे इनके सौंदर्य बोध का विकास हो, गणित तो ये पढ़ ही नहीं सकती। भाषा और साहित्य केवल पढ़ सकती हैं, गृह विज्ञान पढ़ सकती हैं। तो दुनिया उनके लिए, आपने एक तरह से, ये भी मुझे लगता है कि ये पुरुष प्रधान समाज की ही सोच है कि उनको एक दायरे में इस तरह से फिट करो कि वो कई मोर्चों पर या जीवन के कई मुकामों पर आपका मुकाबला करने के लिए सामने न खड़ी हो। लेकिन कम से कम आज स्थिति ऐसी नहीं है। जब हम आज के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं, लड़कियां विज्ञान पढ़ रही हैं, गणित पढ़ रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं और मोर्चे पर खड़ी हैं और सारा काम कर रही हैं, लेकिन जहां से ये निर्माण होता है, और विशेष करके जहां अभी लड़कियों की शिक्षा में कमी है, जो हमारे ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ ये ध्यान देने की जरूर आवश्यकता है कि हम इन पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर स्कूल में न जाएं। ये न कह रहे छोड़ो छोड़ो
तुमसे क्या गणित चलेगा भाई, लड़कियों के पढ़ने का ये अक्सर कई शिक्षक ऐसा ऐसी गलती करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि अपने बिल्कुल, कक्षा की बालिकाओं को कहते हैं कि नहीं गणित तुम्हारे वश का नहीं, वश का नहीं, तुम्हारे वश का नहीं। बिल्कुल, और इसको बढ़ावा देने में थोड़ी भूमिका हमारी पाठ्य पुस्तकों की भी है। किताबें जो हैं वो पहले ही मैंने आपको जो उदाहरण दिया वो इसका जीता जागता नमूना है। आज के विज्ञापनों को आप देख लें तो जितने भी सफाई वाले विज्ञापन हैं वो चाहे किसी डिटर्जेंट के हों या किसी को, ये सब महिलाओं के काम है। मैंने साफ सफाई तो करना, दीपावली तो महिलाओं के लिए है, साफ सफाई तो उनकी जिम्मेवारी है। तो यदि आप पाठ्यपुस्तकों में भी इस तरह का वातावरण तैयार करते हैं, आप ठीक है कि आपने जानबूझ के ये सवाल नहीं पूछा होगा गणित में, तो एक काम को तीन पुरुष एक दिन में करते हैं, उसी काम को छह महिलाएं एक दिन में करती हैं। अब कुछ आप अनुपात वगैरह निकाल रहे थे, लेकिन आपने ये तो कहा कि भाई एक काम जो जहां तीन पुरुष एक दिन में उसको करते, महिलाएं उसको छह दिन में कर रही हैं, मतलब छह महिलाएं एक दिन में कर रही हैं, दो गुना शक्ति लग रहा है। ये सिर्फ गणित नहीं है, हाँ, गणित के साथ हमारी सोच को भी बिल्कुल प्रकट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्त्रियों को कमजोर मानने की जो शिक्षा दी जाती रही है या उनके जीवन को, उनसे जुड़ी हुई बातों को पाठ्य पुस्तकों में महत्व न देने का जो मामला है, जैसे हम लोग नहीं मान लेते हैं कि शिक्षक में ही शिक्षिका भी निहित है, भाई शिक्षिका में शिक्षक निहित क्यों नहीं है? हम लोग भी अपनी बातचीत में शिक्षकों को ही संबोधित करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, शिक्षिका करें तो क्या दिक्कत है, उसमें तो शिक्षक निहित है ही। और ये आधी आबादी का मामला, ऐसा भी नहीं है कि वो इतनी संख्या में कम है कि उनके लिए ये जगह, उनको ये जगह न दी जाए। लेकिन जो भाषाई चेतना भी हमारी है, भाषा का जो मैं जिस तरह से हम लोग भाषा का अध्ययन करते हुए जिस तरह के लिंगीय भेद का दर्शन वहाँ हम कर सकते हैं, हमारी किताबें भी उसका एक तरह से आईना है, हम उसमें भी खोज सकते हैं। लेकिन इस चर्चा का यह अर्थ नहीं है कि हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में बालिकाओं को लेके भेदभावपूर्ण सामग्री है। केवल सामग्री है, वह इस बताना इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यदि आप ऐसी सामग्रियों को खोज सकते हैं और ऐसी सामग्रियों को आप सुधार सकते हैं, अपनी कक्षाओं में ऐसा बर्ताव करें जिससे पाठ्यपुस्तकीय जो गड़बड़ी रह गई है, जो गलती रह गई है, उसको सुधार के यदि आप संशोधित करके कक्षाओं में दूसरे प्रकार की पुस्तकों को हम प्रस्तुत करें या नहीं, उसी पुस्तक को इस तरह से कक्षाओं में ले जाएं ताकि यह जो जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में जेंडर के प्रति बायसनेस कहते हैं, जेंडर बायस कहते हैं, लिंगीय विभेद कहते हैं, तो उससे थोड़ी देर के लिए क्या मुझे लगता है कि उससे राहत मिलेगी। और किताबों ने जो एक तरह से गड़बड़ी कर दी है, किताबों ने क्या किया, किताबें तो एक अच्छी शुरुआत होगी। किताबें तो निर्जीव हैं और उन्हें बनाने वाले हमारे आपके जैसे लोग ही रहे हैं, लेकिन हम बनाते हुए उसका ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए होता है कि इस तरह की गलतियां और गड़बड़ियां दिखाई देती हैं। लेकिन इस पूरे शिक्षाई वातावरण में हमें यह तो करना ही होगा कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम एक सकारात्मक माहौल का निर्माण करें। ये तो अभी हमने जाना कि मुद्दे क्या हैं, हम क्या क्या करते हैं, लेकिन जब एक तक शिक्षक किस प्रकार अपने विद्यालयी परिवेश में, अपने कक्षाई परिवेश में सकारात्मक माहौल का निर्माण करे, ताकि उस कक्षा में पढ़ने वाले पुरुष छात्र यानी छात्र और छात्राएं एक साथ विकास के रास्ते पर बढ़ सकें, एक विभेद का भाव पैदा ना हो, बीच की खाई, बीच की दूरी कम हो सके, तो इसके लिए आवश्यक ये है कि विद्यालय जो हैं हमारे वो कोई ऐसी त्रिशंकु की तरह बीच में तो लटके हुए हैं नहीं, समाज के बीच में हैं। हम लोग मानते हैं कि वो एक उपव्यवस्था भी हैं समाज की। यह भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि यदि ईश्वर ने 24 घंटे का दिन रात हमें दिया है तो अधिकतम 6 घंटे के लिए बच्चे हमारे पास आते हैं, शेष 18 घंटे वो उस समाज में रहते हैं जहाँ से वो स्कूल की तरफ आते हैं। तो ऐसे में जो समुदाय है उस स्कूल के आसपास का, बालिकाओं के प्रति उसकी सोच में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो स्कूल
चाहकर भी बहुत बड़ा बड़े बदलाव नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षक भी उसी समुदाय से आते हैं। लेकिन ये ठीक है कि स्कूल को इसकी पहल विद्यालयों को करनी चाहिए और उस समाज में ऐसी जागरूकता लानी चाहिए कि जो बालिकाओं को लेके रूढ़ियाँ व्याप्त हैं उन रूढ़ियों से मुक्ति मिले, और इन रूढ़ियों से मुक्ति मिलने के बाद ही मुझे लगता है कि विद्यालय में उस तरह का माहौल हम बना सकते हैं जो सामूहिक जागरूकता का परिणाम होगा। जब समूह जगेगा, परिवेश जगेगा, तो विद्यालय स्वतः परिवर्तित होने के लिए एक तरह से मजबूर होगा। जब हमारी सोच जैसी होगी उसका प्रतिबिंबन तो स्कूलों में होना ही होना है। स्कूल की सोच का प्रतिबिंबन भी समाज में होना है, लेकिन समाज की सोच का प्रतिबिंबन भी स्कूलों में होता ही होता है। यानी जरूरी है कि परिवार में भी माता पिता इस बात पर ध्यान दें जी, आस पड़ोस के लोग भी ध्यान दें जी। एक बच्चे और बच्ची का विकास सिर्फ विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे या बच्ची का विकास उस पूरे परिवेश की, उस समाज की, उस समुदाय की जिम्मेदारी है। इस रूप में यदि हम इस बात को लें तो शायद बालिका शिक्षा के संदर्भ में हम किसी अच्छे कदम की ओर बढ़ पाए। बिल्कुल, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि हम क्या करें कि एक सकारात्मक माहौल बने जहाँ लगे कि कुछ बदलाव हो रहा है। ऐसे में हमारे स्कूलों में जैसे लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है, ये अभी एक बड़ी चुनौती है हमारे समय की। हमें इस पर सोचना होगा कि हम स्कूलों को किस तरह से उसकी व्यवस्था को चाक चौबंद करें कि जहाँ बच्चियाँ सुरक्षित महसूस करें और उनके अभिभावक भी ये महसूस करें कि हमारी बच्चियाँ जहाँ गई हैं वहाँ सुरक्षित हैं। आप जानते हैं कि उनके नहीं आने का कारण विद्यालय की संरचनात्मक कई गड़बड़ियाँ हैं जिसमें शौचालय मुख्य है। तो यदि हम चाहते हैं कि स्कूल बदले, लड़कियाँ अधिक से अधिक हमारे स्कूल में आएँ, तो आपको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वो भी साफ और सुथरे सुचारू शौचालय, वो अलग नहीं कि आपने बना दिया और दिखने के लिए हो गया, फोटो खिंचवाई और बंद कर दिया और बाद में कहा कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं कि पानी की व्यवस्था है, बिना पानी की व्यवस्था के शौचालय बना दिया, इस देश का धन नाहक बर्बाद किया। तो इसलिए ये आवश्यक है कि वहाँ वैसी व्यवस्था हम उनको दें। समय समय पर प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है लड़कियों की शिक्षा के लिए, जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। वैसी लड़कियों को लगे कि हमारे आसपास तो जैसे कोई समस्या है ही नहीं, मुझे तो इन तमाम योजनाओं ने ऐसे पंख लगा दिए कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ उड़ सकती हूँ। तो इसलिए उसको ये उत्साह देना, ये तो सरकारी योजनाओं के द्वारा ही संभव हो सकता है। समाज भी उत्साहित करता है, प्रेरणा देता है, लेकिन जब आप बड़े स्तर पर बच्चियों के एक बड़े समूह को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सरकार की ऐसी योजनाएं, और ऐसी योजनाएं चल भी रही हैं। बेटी बचाओ, हाँ, बेटी पढ़ाओ, कई तरह की योजनाएं हैं जो चल रही हैं और जिससे परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है। विद्यालय की गतिविधियों में जो एक अलगाव है लड़के और लड़कियों का, ये तो त्वरित बंद करना होगा। इधर तुम बैठ जाओ, इधर तुम बैठ जाओ, नहीं ये नहीं चलने वाला, ये तो मन तोड़िए, अब बैठाइए। समाज थोड़े दिन तक कहेगा कि हमारी लड़की को क्यों उस लड़के के बगल में बैठा दिया। कुछ दिन तक ये मुझे लगता है कि सामाजिक विरोध आपको झेलना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और केवल बैठा देना ही नहीं है, मतलब उसको बराबरी का हिस्सा देने का मतलब है कि जो भी काम स्कूल का होता है, विद्यालय का होता है, उसमें दोनों को समान अवसर मिले। बैठाना सोच बदलने की दिशा में उठाया गया एक कदम। हाँ बिल्कुल। और कई बार हम शिक्षक, माफ़ कीजिएगा, इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये एक लड़की ऐसा बढ़िया जवाब कैसे दे सकती है। तो हम एक संदेह भी उसके प्रति हमारे मन में होता है कि ना ना ना, गणित में या विज्ञान में एक लड़की की कॉपी आप देखते हुए कई बार इस ऊहापोह में फंस जाते हैं कि ये उसकी कॉपी नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये जो पूरी चर्चा हम लोगों की है उसमें दो तीन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक तो लड़कियों की शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है उसे हम संतोषजनक नहीं कह सकते, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और वो आगे तभी बढ़ सकता है जब उनकी समस्याओं का समाधान हम ठीक ठीक ढंग से कर सकें। लड़कियां तभी विद्यालय में ठहर पाएंगी, रह पाएंगी, जब विद्यालय उनको ठहरने लायक लगेगा। आप ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। मुझे लगता है कि आज का स्कूल धकेल देता है बच्चों को बाहर कि नहीं तू यहाँ रहने लायक नहीं है, तू बाहर जा। और यदि आपने उसको अपनी ऐसी सुविधाएं ही नहीं दी, आप और हम उसको कहते हैं ड्रॉप आउट हो गया,
ड्रॉप आउट थोड़ी हुआ। किसी भी विद्यालय में बालिकाओं की समस्या को सुनने के लिए न कोई व्यक्ति है, न कोई ऐसा केंद्र है जिसमें बालिकाएं अपनी समस्या जाकर कह सकें, और एक बहुत बड़ी समस्या है। और कक्षाओं में देखिए ना, बच्चियों को चुप रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे तो हम सबको चुप रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, हमारा शिक्षाई हमारी पूरा शिक्षाई माहौल ही है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि अधिक से अधिक चुप रहो। लेकिन लड़कियों पर तो विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं, लड़कियों और जो दबे कुचले समाज के बच्चे हैं उनको तो एकदम हम ध्यान दे के देखते हैं कि भाई ज़्यादा नहीं बोलना है आपको, और देखा जाता है कि बोलने के अवसर कम से कम मिले। लड़कियों से आप बातचीत की शुरुआत करें, उनसे उनके साथ बातचीत करें, कई बार हम पुरुषों के पास तो ऐसे सवाल ही नहीं है कि उनके साथ बातचीत की शुरुआत कर सकें। तो एक तो अपने आप में भी हमें ये परिवर्तन लाना होगा, हम शिक्षा इस दशा में जी इस दशा के बारे में सोचना शुरू करना और उनके साथ एक, जब आप हम कहते हैं कि बिना संवाद के बात आगे नहीं चल सकती, तो आवश्यक है कि हम उनकी दुनिया में झांक के उन तक पहुंच के उनके साथ बातचीत कर सकें। इसके लिए हमारी भी तैयारी आवश्यक है कि हम अपनी तैयारी भी ऐसी रखें कि हम कह सकें कि नहीं, हमें तो अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बातचीत करना, बतकही करना आता है। ये कला हमें सीखनी होगी, नहीं तो हम इस कारण भी उनको एकदम, जो महिला शिक्षिकाएं हैं ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो लड़कियों से बात करें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी शिक्षक हैं और ठीक है कि हम दोनों में लिंग का भेद है, लेकिन बातचीत लिंगी आधार पर हो ऐसा कहाँ कहा गया? ऐसा नहीं है, ऐसा तो है भी नहीं। बातचीत का आधार लिंग ही होगा यह तो संभव नहीं है। इसलिए एक तो जरूरी है कि हम मन को बदलें और जो मानसिकता है उसमें बदलाव हो, और लड़कियों को अधिक से अधिक कमजोर समझने की जो गलती या पूर्वाग्रह हम करते रहे हैं उससे मुक्ति पा जाए, और कोशिश करें कि लड़कियां जहां भी अवसर हो वो बराबरी का अवसर मिले। ऐसा नहीं कि एक को अधिक अवसर, एक को कम अवसर। ये अवसर की समानता मुझे लगता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, और एक सकारात्मक माहौल हम बना पाएंगे यदि हम स्कूलों को इस तरह से बनाएं, इस तरह का माहौल वहाँ बनाएं जिसमें लड़कियां अपने आप को एक तरह से सीखने का माहौल उनके लायक बनाएं कि वो अधिक से अधिक वहाँ जाके सीख सकें। अभी जो प्रतिकूल माहौल उनके लिए है उसको अनुकूल करना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही विस्तार से बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों पर अपना विचार रखा। एक बालिका के प्रति समाज में किन किन पूर्वाग्रहों को धारण समाज ने किया है और किस किस परेशानी को एक बालिका को झेलना पड़ता है अपने परिवेश में, अपने विद्यालय में, इस विषय पर आपने प्रकाश डाला। साथ ही आपने यह बताया कि कैसे हम अपने परिवेश में और शिक्षाई माहौल में बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक बेहतर माहौल बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। सभी दर्शकों को धन्यवाद, आपने इस व्याख्यान को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, और विशेष रूप से डॉक्टर ज्ञानदेव मणि जी का धन्यवाद जिन्होंने बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर इस बहुत ही बेहतरीन विषय पर अपना विचार प्रकट किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानदेव मणि जी, आप सबका धन्यवाद।